लेंगे ना, बाद में तय कर लेंगे बेट का, करना है जरूर हम। पूरे गुजरात लड़ना भी है, पूरे गुजरात, पूरे गुजरात में करेंगे या सिर्फ भरूच के अंदर? नहीं, पूरे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी एक प्रिपरेशन मानी जाए। हाँ बिल्कुल, वो सब सीटों पे लड़ेंगे विधानसभा चुनाव या फिर सिलेक्टेड सीटों पे, देखते हैं कहाँ कहाँ लड़ना है। जरूरी साहब आपसे सवाल था कि गुजरात में पहली बार आए हो तो क्या रणनीति होगी और कितना आशावादी हो AIMM और BTP जो मिलके है क्या रिजल्ट देगी? देखिए पिछले कई सालों से गुजरात की जनता और विशेषकर गुजरात के युवक ये लगातार आए दिन हैदराबाद जाते थे और अवैसी साहब से यही ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हमने भी MIM पार्टी ने भी गुजरात में आना चाहिए। अब ये समझते हैं हम आज कि एक सुनहरा दिन इस वजह से मान रहे हैं कि वो ख्वाहिश आज गुजरात की आवाम की पूरी हो रही है और हमें खुशी इस बात की है कि हम जिसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पता किया, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अवैसी साहब के पास आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि छोटू भाई वसावा साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के तहत लगाई है उनके साथ हमें आज जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे उनका काम जो है। और हमने ये नोट किया है कि जिस दिन से ये घोषणा की गई थी छोटू भाई वसावा साहब की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ट्वीट किया था कि हम गुजरात में आ रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो रिस्पांस लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, मैं तो कई सारे राज्यों के अंदर जाता हूँ, मैं आज ये समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उत्साह है, फिर बिहार गए तो ऐसा लगता था बिहार, लेकिन आप गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है, तो यकीनन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि एक अल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए। हम ये समझते हैं कि आज तक जो एक जो गेम होता है, ये कुर्सी होती है और कुर्सी के अतराफ में है तो खेलना पड़ता है, म्यूजिक दबाई जाती है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा वो सत्ता में, तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी खेल रहे थे, कभी कांग्रेस वाले जाके बैठ जाते थे, कभी भाजपा वाले जाके बैठ जाते थे। और कई लोगों की ये मजबूरी थी कि हम इनको नहीं देते हैं तो चलो इनको दे डाले करके, इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि AIMIM और BTP एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा और अच्छे इश्यूज के ऊपर तो हम आगे के जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने चुनाव लड़ने की तो बात कर चुके हैं के साथ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है और दोनों मिलके उनको ही नुकसान पहुंचाएंगे चुनाव में। देखिए कम से कम मेरे हिसाब से ये हम मैं पिछले एक साल के अंदर 2000 मरतबा इसका जवाब दे चुका होगा उसमें। ये अभी एक साहब ने ये कहा है कि इससे नुकसान किसको होगा करके, हमने 70 सालों तक आजादी के 70 सालों तक हमने है तो अपने फायदे के बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन आप सुन ले कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है, अब हम हमारे फायदे के बारे में बात करने के लिए आए हैं, अब हम हमारे बारे में सोच रहे हैं। हमने 70 सालों तक आपके बारे में सोचा, लेकिन जब हमको ये एहसास हुआ, हमारी एक पीढ़ी को जब ये एहसास हुआ है कि साहब क्या वजह है कि हम लोग सिर्फ है तो जिला परिषद के हद तक रह गए, नगर पालिका के हद तक रह गए हैं, हमको लोकसभा में जगह क्यों नहीं मिलती है, हमको विधानसभा के अंदर जगह क्यों नहीं मिलती है, तब जाकर है तो ये गुस्सा जब अंदर सा फूट रहा है तब जाकर है तो लोग इस तरह से पीछे आ रहे हैं। अब हमको कोई लेना देना नहीं है किसको क्या नुकसान होने वाला है, किसको क्या घाटा होने वाला है, हम हमारे फायदे के लिए आए हैं और हमारे फायदे का मतलब ये है कि जितने भी गुजरात के अंदर रहने वाले, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, दलित समाज के हो, OBC समाज के हो, मुसलमान हो, जिन लोगों को भी राजनीतिक तौर के ऊपर पीछे रखा गया है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जिस तरह से आपने गठबंधन की बात की और आप बता रहे कि आपके फायदे के लिए, संगठन के तौर पर बात की जाए तो BJP का संगठन गुजरात में काफी मजबूत माना जाता है, उनका पेज समिति से लेके पेज प्रमुख तक अभी पूरा संगठन चल रहा है, किस तरह से आपका संगठन आप बनाएंगे गुजरात में? हमारे पास ये सही बात है कि अब हम गुजरात में जो आए हैं, हमारी पार्टी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम यहाँ पर संगठन को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बनाए, अच्छे लोगों को हम जोड़े। हमने छोटू भाई वसावा साहब से भी ये दरख्वास्त की है, महेश भाई से भी ये दरख्वास्त की है कि
कि आप हमें बताएं कि यहाँ पर गुजरात के अंदर अगर हमको जिम्मेदारी देना है तो कौन लोग हो सकते हैं, कौन अच्छी छवि के लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि AIIMM को जो पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले जो है वो दीवानों की फौज है, ये बिल्कुल जोश से काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनके साथ साथ हम चाहते हैं कि अगर वो जोश और महेश भाई और छोटू भाई का होश, जोश और होश का अगर कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो यकीनन हम एक बहुत बड़ा एक तहलका मचा सकते हैं। अगर नाराज होता है उनको अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलता है और आपकी पार्टी में आना चाहेगा तो वेलकम करोगे हमको? हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, हम देखेंगे कि उसमें कौन लोग है। जो ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन के वक्त में आएंगे, हमने अंदर जब बात की है, मैंने एक सवाल छोटू भाई से ये किया था कि असद साहब के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, कि जिसकी वजह से एक बात उन्होंने जो कही है वो हमारे लिए और इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के लिए फख्र होना चाहिए कि उनको जो बात पसंद आई वो बात हमको भी पसंद है और आपको भी, कि असदुद्दीन अवैसी इस मुल्क के अंदर बात करता है तो संविधान के हिसाब से बात करता है। और ये बात है जो आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हम साथ में मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि छोटू भाई का भी लक्ष्य जो है वो यही है कि संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, किसी की हुक्मशाही के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए उसमें। और असद अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर आप देखते होंगे अगर वो जिक्र करते हैं तो सिर्फ संविधान का जिक्र करते हैं। ओवैसी जी का आपके अलावा ओवैसी जी का सर ईवीएम के बारे में आपका क्या कहना है? यहीं से शुरू हुआ है सब मामला, हमसे क्या पूछा? ओवैसी जी का हमारा गुजरात देखिए, हमने छोटू भाई साहब और महेश भाई से हमने दरखास्त की है, हम न्योता लेकर आए हैं उन्हें कि आप आइए, पहले हैदराबाद आइए, हैदराबाद में देखिएगा कि किस तरह का काम MIM पार्टी के तरफ से किया जाता है। हम तो गुजरात के पत्रकारों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग भी कभी हैदराबाद आइए और देखिए कि हमने एक चुनौती दिए थे। मैंने महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, वारिस पठान हमारे सहयोगी है महाराष्ट्र से आते हैं, हमने महाराष्ट्र के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दिए थे कि जो काम अवैसी बंधु हैदराबाद में कर रहे हैं, चाहे उनके जो स्कूल जो चलाए जाते हैं, जो फ्री स्कूल जिसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, उनको यूनिफॉर्म मुफ्त दिया जाता है, शूज उनके, बुक्स उनके पूरे, और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स है 14 के करीब ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं, जो मैं समझता हूं कि आपके गुजरात के अंदर ऐसे कितने स्कूल्स होंगे जो उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं, एक रुपया भी अवैसी बंधु लेते नहीं है। लास्ट हमारा जो आंकड़ा था जो हमने पता किया था, तब 17,000 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे। 17,000 बच्चों को मुफ्त के अंदर पढ़ाना, और वो जब बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है उससे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी जात धर्म और मजहब क्या है करके, उसमें हर जात धर्म और मजहब के बच्चों को वहां पे जो हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं अवैसी बंधुओं की तरफ से, 10 रुपए का कार्ड बनाया जाता है, 3 महीने की वैलिडिटी होती है उसके अंदर, वो कार्ड बनाते वक्त पूछते नहीं है हम, लेकिन ये तो ये है कि अवैसी साहब के अच्छे कामों को कोई दिखाता नहीं है। 2 घंटे का उनका भाषण होता है तो 2 मिनट के अंदर असद अवैसी साहब ने क्या कुछ गलत बोला है उसके अंदर कुछ बवाल किया जा सकता है करके, तो यही बातों को तो हम तो चाहेंगे कि मीडिया भी आए और वहां पे आकर देखे, हम आपको लेके जाकर दिखाना चाहेंगे कि एक असली चेहरा जो है उसमें वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। चुनाव में मैनिफेस्टो जैसा कुछ होगा, कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए अभी तो बहुत प्राथमिक हमारा ये है, अभी मैं तो बहुत छोटा सा पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। छोटू भाई वसावा साहब, महेश भाई जब हैदराबाद में आएंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ बैठेंगे, यकीनन इस बारे के अंदर चर्चा होगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या मुद्दे। छोटू भाई आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी कांग्रेस ने हाथ मिला के बीटीपी को वहां से अध्यक्ष से दूर रखा है, क्या कहेंगे गुजरात में आपका भी ये मिशन रहेगा कि कांग्रेस को गुजरात में, जिस तरह से बीजेपी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो गुजरात मुक्त कांग्रेस ऐसा बीटीपी का और AIIMM का नारा होगा? दोनों को मुक्त करेंगे। चलिए सर के हमको क्या फायदा बीजेपी चलेगी देश में, क्या फायदा? आप ही नहीं बताते असली बात तो स्वतंत्र हो जाता ना। चलिए मान लीजिए कि स्थानीय चुनाव है अभी, तो समझो कि जिला परिषद, जिला पंचायत या नगर पालिका कॉर्पोरेशन के चुनाव जीत जाती है और प्रमुख पद पे आ भी जाती है, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी सर
जिले को लेकर बाकी फिलहाल हम बात करें तो अभी तक जो लोग मर रहे हैं इसके राज में उसको मुक्त करेंगे और क्या। थैंक यू।